अपनी जो है बर्थ रिजर्व है, लेकिन आजकल का जो है आजकल रिजर्व वाला भी रह जाता है बाहर या ट्रेन जो है खुल जाती है। और ये देख लो भाई, इतना बड़ा बैग जो होता है ट्रैवलिंग के टाइम पे ले जाना पड़ता है सोलो ट्रैवलिंग के लिए। अच्छा रहा, मतलब आपको सीट जो बताया मिल गया वो क्या है, लेट का सर क्या है, कैसा लगा? भाई साहब हमको रैंडम में मिले थे वैसे। भैया रात में कैब ले लिया गया है, आ रहा था कि मैं निकला था गोवा के लिए, फिर अचानक से मेरे दिमाग में आया कि चलो भैया अयोध्या राम मंदिर को कवर किया जाए आप लोगों के लिए, मेरे लिए खुद के एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी 500 साल के बाद अयोध्या आ रहे हैं, वापस अपने घर आ रहे हैं। वो 256 रुपये का कॉस्ट पड़ा है हम लोगों को यहाँ से अयोध्या के लिए। तो भैया निकल सुबह, यही वो बस है जिस बस से ट्रैवल करके मैं लखनऊ से आया हूँ अयोध्या के लिए, और मुझे लगा नहीं था कि ये बस वाला जो है स्टॉपेज लेगा, मतलब खाना वाना के लिए रोकेगा वॉशरूम। तो भाई बस जो है अपनी यही हाईवे के पास, मेरा होम स्टे बस यही सामने है, सीमा होम स्टे करके आप लोग आना हो। नमस्कार दोस्तों, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी मैं हूँ मुजफ्फरपुर अपने शहर में, और यहाँ से निकल रहा हूँ गोवा के लिए। दो ट्रेन लेके मैं निकल रहा हूँ मुजफ्फरपुर से, पहले जाऊँगा भोपाल और फिर भोपाल से मेरी यात्रा होगी गोवा के लिए। तो वही सब इस ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। लास्ट टाइम पे दो ये कंबल बोल रहा हूँ, ये स्लीपिंग बैग छूट गया था तो वही फटाफट से लेने चला गया था। और अभी टाइम जो है 10 बजने में मात्र 10 मिनट बाकी है और मेरी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी अहमदाबाद बरौनी, उसी से मैं जा रहा हूँ। वैसे अपना जंक्शन जो है रात में कुछ इस तरीके का दिखता है। भाई यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, टेम्परेचर मानो 20 डिग्री दिन में रहता है और रात में घट के 15-17 डिग्री पे चला जाता है। यही सब कुछ है भाई, अब जर्नी हो सके तो आपको दिखाएंगे या फिर कल आपसे मुलाकात होगी। अभी मैं खाना पीना ले लिया हूँ, खा पी के सो जाऊँगा ट्रेन में, और देखते हैं आपसे हो सके तो भोपाल स्टेशन पर मुलाकात हो या फिर ट्रेन में वापस मुलाकात हो। चलिए मिलते हैं आपसे ट्रेन जर्नी में। दोस्तों अपनी ट्रेन जो है आ गई है S2 में, हमारा बर्थ है स्लीपर में। ठंडा का मौसम है, कहाँ जाएंगे एसी वैसी में, तो स्लीपर का अपना बर्थ है। वैसे ट्रेन जो है इधर आ गई है और व्यवस्था पूरा टंच है, खाना पीना जो है सोना कंबल उम्बल सब व्यवस्था टाइट है। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जो है इस वक्त लगी रहती है भागलपुर जो जाती है, एक ट्रेन जाती है लोकल ट्रेन भागलपुर के लिए, मुजफ्फरपुर से चलती है, बहुत देर तक लगी रहती है ये, मुझे लगता है कि रात में चलती होगी 11-12 बजे तक। तो ये ट्रेन जो है रात में भागलपुर जाती है ना, और ये ट्रेन जो है अपनी आ गई है अहमदाबाद बरौनी। ये सप्ताह में बस 6 दिन ही चलती है, 1 दिन नहीं चलती है कहने का मतलब। चलिए निकलते हैं अपने ट्रेन जर्नी पे। भाई ट्रेन आते ही जो है ना ये हुजूम तो बनता है, मतलब लोग जो है इसमें घुसने के लिए एकदम धड़धड़ा के घुसते हैं, जैसे कि कहने का मतलब है अपनी जो है बर्थ रिजर्व है, लेकिन आजकल का जो है आजकल रिजर्व वाला भी रह जाता है बाहर या ट्रेन जो है खुल जाती है। चलिए देखते हैं अपना व्यवस्था लगेगा कि नहीं। सो भाई 24 घंटे की जर्नी करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं भोपाल स्टेशन पे। वैसे भोपाल स्टेशन नहीं है, कोई रानी कमलापत करके है, उसके बाद अभी मुझे भोपाल स्टेशन जाना है और मेरी ट्रेन जो है 2 बजे की है और वो ट्रेन लेना है, उस ट्रेन से मुझे गोवा जाना है। वैसे यही ट्रेन है, इसी ट्रेन के माध्यम से मैं भोपाल तक आया हूँ। और ये देख लो भाई, इतना बड़ा बैग जो होता है ट्रैवलिंग के टाइम पे ले जाना पड़ता है सोलो ट्रैवलिंग के लिए। तो भाई अगर सोलो ट्रैवल करना चाहते हो तो एडवाइस ले सकते हो मुझसे, क्या कुछ सामान लेना पड़ता है, ठंडे में जा रहे हो गर्मी में जा रहे हो, किस टाइप से आपको कपड़े रखने, किस टाइप से आपको सामान रखना है, वो सारा कुछ आपको एडवाइस करूँगा। कमेंट करो, मैं हर एक कमेंट का जवाब दूँगा। वैसे ट्रेन जो है निकलने वाली है और ट्रेन निकलेगी, मुझे इस जगह पे कुछ दोस्त लोग रिसीव करने आए हैं तो उनसे भी मिलाएंगे। भाई मतलब ट्रैवलिंग करने से मैंने लोग बनाए हैं भाई, दोस्ती बनाया है, और कुछ बनाया है ना बनाया लेकिन मैंने दोस्ती बहुत बना लिया। हर एक स्टेशन पे कहीं उतरो तो कोई ना कोई दोस्त लोग मिलने चला ही जाता है। अभी रात के मैं आपको दिखा दूँ, रात के अभी 10 बजने वाले हैं और सब लोग अभी सो रहे होंगे। देखो शायद फ़ोन भी किया उसने, हेलो हाँ बस स्टेशन के बाहर निकल ही रहे हैं, आ रहे हैं बस 2 मिनट।
भाई मैंने दोस्त ही बनाया है भाई, वैसे स्टेशन के बाहर वो वेट कर रहा है, चलो फटाफट निकलते हैं सामान लेके और आपसे मिलवाते हैं उनसे। ये भाई साहब मुझे ट्रेन में ही मिले थे और इनको सीट नहीं मिला था, अब बताइए जर्नी कैसा रहा? अच्छा रहा, मतलब आपको सीट जो बताया मिल गया? हाँ। तो क्या है, लेट का सर क्या है, कैसा लगा? भाई साहब हमको रैंडम में मिले थे, वैसे एक आता है रेलवे में आता है एक सिस्टम होता है, वो अगर अवेलेबल नहीं रहा तो उस जगह पर आपको अवेलेबल दिखा देगा, ट्रेन अगर चल भी रही है तो आप जर्नी आराम से कर सकते हैं। चलिए भैया चले चाय पीते बाहर। भाई जहाँ भी जाओ मतलब लोगों की मदद करते रहो, चाहे कैमरा में रिकॉर्ड कर पाओ या ना कर पाओ वो आप पे डिपेंड करता है। भाई ट्रेन में मैंने एक इमरजेंसी केस भी हो गया था, एक पेशेंट मतलब कुछ ज़्यादा ही सांस लेने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनकी भी मैंने मदद की है। एक छोटा सा इसके बाद क्लिप आएगा वो देखो, मैं आपसे मिलता हूँ जहाँ मेरा दोस्त है वहाँ पे। सामने हाँ लाइट जलाइए, लाइट जलाइए, हो यहाँ है एक साइड हो साहब आना था पीछे से एक साइड हो थोड़ा जगह खाली कर दीजिए, थोड़ा एरिया साफ कीजिए उधर। आए हैं क्या? बैठा दे उधर, पकड़ के ले जाए इसको। कौन कौन है इसके साथ? आ रहा है सामान निकाल, गाड़ी चलवाएंगे निकले तो गाड़ी वहाँ सामान लीजिए वहाँ। गिराई। अरे आराम से, आपके लिए ट्रेन रुका हुआ है, आराम से कीजिए। अरे आपके लिए ट्रेन रुकेगा आइए। अगर यहाँ पे ये लोग स्लिप बनाते तो 100 रुपये का चालान अभी कटता, ठीक है? ये लोग बात कर लीजिए कौन सा हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, उस हिसाब से आप लोग अपना काम कीजिएगा, ठीक है? पहले देख लीजिए क्योंकि अभी जगह पे उतरिए गए हैं तो कहीं भी आप करा सकते हैं, ठीक है? तो देख लीजिए क्या पैसा लगेगा, क्या कुछ लगेगा, ठीक है? बाद बाकी आप लोग अपना देख लीजिए, ठीक है माता जी? देख लीजिए भैया, ठीक है? भाई ये पहुंच गए हम लोग रानी कमलापत का, ये बैक साइड है और इधर ही मेरा एक दोस्त आने वाला है, आने वाला क्या है मतलब आ गया है, यही है शुभम, मिलवाते हैं मेरे भाई। यही है शुभम और ये यहीं पे रहता है पढ़ने के लिए, वैसे बहुत सारे लोग मुजफ्फरपुर और पटना से बहुत सारे लोग इस जगह पे भोपाल में पढ़ने के लिए रहते हैं, तो यहाँ से अब मैं निकल रहा हूँ भोपाल स्टेशन के लिए, मेरी ट्रेन जो है वहीं से वो आगे लिए, तो चलिए निकलते हैं और चलो भाई मेरे सुबह आराम से, बैग थोड़ा भारी है, चलो भाई बाय 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 बाय। भाई अभी का ये अपडेट है कि ये भाई इधर आइए, ये जो मेरा भाई है स्टेशन पर से बुला के अपने रूम पे लेके आ गया है और यहीं पे जो है खाना पीना जो है इधर चल रहा है अपना, और अब जो है पता नहीं मेरा गोवा ट्रिप का क्या होगा, गोवा ट्रिप लगता है इधर ही अभी पोस्टपोन थोड़ी देर कुछ दिनों के लिए यहीं पे भोपाल में ही रहेंगे क्या, और जब भी निकलेंगे स्टेशन पे आपसे मुखातिब जरूर होंगे। तो भैया रात में कैब ले लिया गया है, वो निकल रहे हैं भोपाल से, तो अभी ट्रेन जो है अपनी, मैं आपको टाइम दिखा दूँ, 2:44 और डेट देख लो 19 तारीख। All right.
सो भैया ओला लेके स्टेशन पहुंच चुके हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं निकला था घर से गोवा के लिए, पर मैं भोपाल पहुंच गया, फिर मेरी भोपाल से गोवा की टिकट थी वो कंफर्म नहीं हो पाई, तो मैं यहीं पे रुक गया। फिर मेरा जो प्लान है, यही ट्रेन आ गई है, इसी से हम लोग जाने वाले हैं। ये जो गोरखपुर यशवंतपुर जो एक्सप्रेस है सुपरफास्ट, इसी ट्रेन से हम लोग जाने वाले हैं। तो ये ट्रेन सबसे पहले लखनऊ लेके जाएगी, और फिर मैं लखनऊ से वाया बस मैं निकलूँगा अयोध्या के लिए, क्योंकि अभी अयोध्या की सारी जो ट्रेनें हैं वो सारी डाइवर्ट कर दी गई है, क्योंकि अयोध्या में भी कोई सी भी ट्रेन नहीं चल रही है 23 तारीख तक। तो मैं यही बता रहा था कि मैं निकला था गोवा के लिए, फिर अचानक से मेरे दिमाग में आया कि चलो भैया अयोध्या राम मंदिर को कवर किया जाए आप लोगों के लिए, मेरे लिए खुद के एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी 500 साल के बाद अयोध्या आ रहे हैं, वापस अपने घर आ रहे हैं। तो चलिए वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, और कल सुबह अयोध्या पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे मैंने होटल स्टे लिया, क्योंकि होटल ढूंढना भी बहुत बहुत मुशक्कत का काम है, क्योंकि कल 20 तारीख है और बहुत सारे होटल लग गए होंगे, बहुत सारे जो भी होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी ट्रेन में बैठेंगे और सो जाएंगे, और आपसे कल लखनऊ में मुलाकात करेंगे। तो बने रही मेरे साथ, आपसे मिलते हैं कल सुबह। भाई यही है अपनी S2 में अपनी बर्थ है और 80 नंबर सीट है। चलिए खुलवाते हैं भाई, खोलिए चचा। ये लोग भी क्या करेगा भाई, लोग गेट बंद करके बैठ जाते हैं। करना पड़ेगा भाई। बोला भैया चार गोपाल की चाय पीना। दिक्कत है के भैया। यही है 80 नंबर, 80 ऊपर है ना। चाचा खाली कर दी है, क्या सीट है 80 नंबर किसका? मेरा सीट है, खाली कर दीजिए। किसका कौन है? मेरा है, और किसका है? सुनिए ना, S1 में है। सो जाइए, माफ़ कीजिएगा, सो जाइए। बड़ी दिक्कत हो गया भाई, वो बेचारा बुजुर्ग आदमी को उठवा दिया S2 में, अब मेरा सीट था S1 में। ओ हटा हो, तो भाई गुड मॉर्निंग फ्रॉम लखनऊ। अभी दोपहर के 12 बजे हैं और ये ट्रेन मुझे ला के स्टेशन लखनऊ पे छोड़ दी है, लखनऊ स्टेशन पे छोड़ दी है। अब यहाँ से जो है मैं बस से अयोध्या निकलने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से ट्रेनें चल नहीं रही है उस रूट में। सारा जो ट्रेन है वो बनारस प्रयागराज के रूट से चल रही है। तो अभी बस स्टेशन से निकलते हैं। ये सारा जो है आपका लखनऊ स्टेशन का नज़ारा, ये आप देख रहे हो। कोई बैग वगैरह स्कैनिंग नहीं होता, यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो, एंटर हो सकते हो। बहुत जगहों पे, बहुत सारे बड़े बड़े स्टेशन पे या फिर छोटे छोटे स्टेशन पे जो है स्कैनर मशीन लगा हुआ है, लेकिन लखनऊ में ऐसा कुछ मुझे अभी तक दिखा नहीं है। तो चलिए बस स्टैंड पे पहुंचते हैं, और क्या कुछ बस का कॉस्ट लगने वाला है, कैसा बस है, वो सारा कुछ आपको आराम से तसल्ली से बस में बैठ के या फिर अयोध्या रेलवे स्टेशन पे आपको दिखाने वाले हैं। वैसे मैं चीज़ बता दूँ, लखनऊ स्टेशन आप आओगे तो लखनऊ स्टेशन पर सरकारी बस स्टैंड 3-4 है, तो आप इस चीज़ का पुष्टि आप ज़रूर कर लेना अगर यहाँ से आपकी बस, जैसे आपकी कहीं की भी बुकिंग हो तो एक बार पता ज़रूर कर लें बस स्टैंड के बारे में कि कौन से बस स्टैंड से आपकी बस जो है बोर्ड होने वाली है। चलिए निकलते हैं बस स्टैंड और पहुँचते हैं। भाई सुबह सुबह कुछ लखनऊ का नज़ारा ऐसा दिखता है, और अभी सुबह तो नहीं बोलेंगे, दोपहर के 12 बजे हैं, और भाई ऑटो वगैरह यहीं पे लगी हुई आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हो बुक वगैरह करके। क्या खूबसूरत जो है लखनऊ स्टेशन को बनाया गया है भाई, क्या प्यारा लग रहा है लखनऊ स्टेशन। तो भैया ये है अयोध्या का बस स्टैंड, सो ये है चारबाग का बस स्टैंड, और यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं अयोध्या धाम के लिए। ये रही अपनी बस, और अपनी बस में दिखा देता हूँ किस टाइप की यहाँ पे सीटें वगैरह। उधर ले लो भाई, इस तरीके की सीट है भाई। अभी चल भैया थोड़ा सा ये जर्नी करेंगे, सीट वगैरह भी आपको दिखाएंगे, और फेयर में बता दूँ आपको 256 रुपये का कॉस्ट पड़ा है हम लोगों को यहाँ से अयोध्या के लिए। तो भैया निकलते हैं फटाफट, बस खुलती है, बस का टाइमिंग बताया भैया ने कि 1 बजे यहाँ से बस खुलेगी, अभी 15 मिनट बाकी है। चलिए फटाफट जो है
बस खुलती है, आपसे वापस मुलाकात करते हैं। अयोध्या वाली जो फील है ना, मुझे अभी बस से ही आनी शुरू हो गई है, क्योंकि मैं अभी बस फर्स्ट रो में ही बैठा हूँ। फर्स्ट रो, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि अगर कभी ट्रैवल कर रहे हो बस में, तो आप ड्राइवर सीट से बस सामने वाले सीट पर बैठो, क्योंकि आपको अच्छा सा विजुअल आपको मिलेगा, ये आपका विजुअल रहेगा। और ये सारा जो बोरा मैं आप देख रहे हो यहाँ पर पड़ा है, मेरे पैर के पास पड़ा है, आगे भी पड़ा है, बहुत सारा बोरा पड़ा है, इन सब में ना गेंदा का फूल है सारे में। अब पता नहीं ये अयोध्या धाम क्यों जा रहा है, या फिर बेचने के लिए जा रहा है, या फिर मंदिर में लगने के लिए जा रहा है, या फिर कुछ ना कुछ इनका योगदान तो वहाँ पे ज़रूर होगा। तो चलिए ठीक है, अभी बस खुली नहीं है, बस में मैं बैठ चुका हूँ, ये रही बस, और ऐसा कुछ दिखता है, ऑर्डिनरी बस है जो लोकल चलती है, UPSRTC की बस है ये, और इसका कॉस्ट मुझे पड़ा है 256 रुपये। ये बस पता नहीं कब खुले, अभी उन्होंने बताया कि 10 से 15 मिनट में खुलेगा, लेकिन बस है भैया, पूरी भरेगी तभी खुलेगी। आप लोग देख लो पीछे पीछे, अभी पूरी थोड़ी बहुत बची हुई है, 10-15-20 सीटें बची हुई है, तो वो सब कुछ भरेगा तब ये बस निकलेगी। जाना है ही थोड़ा बहुत ऊपर, थोड़ा बहुत नीचे। चलिए, आज डेट हो गया 20 तारीख, और अच्छा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह यही वो बस है जिस बस से ट्रैवल करके मैं लखनऊ से आया हूँ अयोध्या के लिए, और मुझे लगा नहीं था कि ये बस वाला जो है स्टॉपेज लेगा, मतलब खाना वाना के लिए रोकेगा। वॉशरूम वगैरह तो ठीक है, नॉर्मली रोक ही देता है, लेकिन खाना वाना के लिए भी ये लोग, ये बस वाले जो है रोक दिए हैं छोटा सा ढाबा पर। अब सरकारी बस है तो ढाबा भी उसी तरीके का आपको मिलेगा, ऐसे छोटा सा ढाबा है। तो भाई बस जो है अपनी यही हाईवे के पास ही लग गई है, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये हाईवे के पास ही लग गई है। और भाई क्या खूबसूरत जो है पेंटिंग यहाँ पे किया गया है, मतलब क्या बात है यार, देख के ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ ही आ गया हूँ। क्या दिख रहा है भाई। तो भाई ये बस जो है अपनी यहाँ लग गई है, और सारे पैसेंजर उतर रहे हैं अपने, और ये है इसका मेन रोड जो हनुमान गढ़ी राम मंदिर सारा जो है इसी जगह से सारा चला जाता है। तो ये सारा कुछ मैं आपको अगले वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा। अभी मैं यहाँ से होटल ले लूँगा, वो थोड़ा सा क्लिप दिखाऊंगा कि मैंने होटल कहाँ पर लिया है, और मुझे होटल मंदिर से 2 किलोमीटर के आसपास मिला है, इधर इधर इधर, तो मुझे होटल जो है 2 किलोमीटर मंदिर से पास में मिला है, तो देखते हैं कैसे जाते हैं, वो सारा कुछ आपको दिखाएंगे। वैसे एक चीज़ मुझे दिखा है, मैं सोचा कि आपको दिखा दे, ये जो देख रहे हैं मिट्टी और इसके ऊपर जो घास जो है बिछाया जा रहा है, ये कहीं दूर से ला के और ये भाई साहब लोग जो है ये बिछा रहे हैं, दिखाते हैं आपको जूम करके। देखिए ये जो है ये कहीं से लाया हुआ घास है काटा हुआ, और इसको ये लोग इसके ऊपर बिछा टाइप से रहे हैं, और क्या हरा भरा लग रहा है, आधा आधा दूर पे आपको दिख रहा होगा पीछे, और इधर जो है इधर लगना भी बाकी, ये सारा लग रहा है, और क्या शानदार है ये जगह, ओहो क्या खूबसूरत लग रहा है यार। तो भाई बस स्टैंड से ये ऑटो में आ गया हूँ, मेरा होम स्टे बस यहीं सामने है, सीमा होम स्टे करके, हाँ तो आप लोग को भी आना। चलिए यहाँ से बैग निकालते हैं और देखते हैं कैसा रूम वगैरह है। सो भाई अपने होम स्टे में आ चुका हूँ, और अभी बस हम 7-8 बजे तक आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए भैया बैग रखवा दिया गया है, और फटाक से चलते हैं राम मंदिर की तरफ, और वो भी आपको दर्शन कराएंगे, बने रहे मेरे साथ। और भाई अगर अयोध्या आ रहे हो, होटल वगैरह भी दिखाएंगे आपको यहाँ पे, जो भी अवेलेबल अगर हुआ तो मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह डाल दूंगा, आप लोग कॉल करके आराम से आ सकते हो। वैसे मैं तो खैर इस होटल में रुका हूँ, तो इस जगह पे अभी भी रूम अवेलेबल है, डॉर्मेट्री भी अवेलेबल है। तो भैया इसको मैंने ढूंढने, अरे हाँ एक चीज़, सो एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, ये मैंने कहाँ ढूंढा है इस होम स्टे को, इसको मैंने OLX पे ढूंढा है भाई, सोचो OLX पे।
बहुत सारा लोग होटल ढूंढते हैं मेक माई ट्रिप पे, booking.com पे। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, booking.com पे बहुत सारे लोग ढूंढते हैं भाई। OLX पे भी ढूंढा करो, क्विकर पे भी ढूंढा करो, बहुत सारे लोग जो होते हैं उस पर भी अपना ऐड वगैरह पोस्ट करके डालते हैं। तो चलो मिलते हैं आपसे मंदिर की तरफ।